हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आलू अंडे की पकौड़े की मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, यह झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 अंडे का इस्तेमाल किया, इसे उबाल लिया है और इसे छील लिया है। सबसे पहले यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में डाला है तेल, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को यहाँ पर 2 से 3 सेकेंड के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। लहसुन को लाल नहीं करना है, बस 2 से 3 सेकंड पकाना है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी दिखने में लग जाए तब इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बिल्कुल सिर्फ इस तरह का होना चाहिए, देख सकते हैं आप। अब इसे साइड में रख देंगे। चलिए अब यहाँ पे मैंने आलू 250 ग्राम लिया है और इसे बॉयल करके छील लिया था और अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब अमलदस्ता में डालेंगे 4 से 5 कली लहसुन और 4 हरी मिर्च और इसे कूट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है, दरदरा सा कूटना है, बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल और 1/2 टेबल स्पून राई, इसे चटकने देंगे। अब जो पेस्ट तैयार किया था दरदरा सा लहसुन अदरक का, उसे भी ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, बस इतने ही देर भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे जो आलू किया और मैश किया रखा हुआ था, इसे ऐड कर देंगे। अब कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई पे नहीं रखना है, लो ही पे रखना है। और ये सभी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी इस आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब जो लहसुन की चटनी हमने बनाई थी उसे ऐड करेंगे मिक्सर जार में और इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और इनका 5 पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर, और इसमें डालेंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी अभी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसका बिल्कुल गाढ़ा और ना पतला घोल तैयार करना है, बिल्कुल बीच का होना चाहिए घोल। आपको हम दिखा देते हैं चम्मच में लगा के, बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाथ में आलू लेंगे 1 टेबल स्पून, इसे हाथों की हेल्प से फैला लेंगे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे चटनी जो हमने तैयार की थी, लाल वाली चटनी, इसे भी चारों तरफ फैला लेंगे अच्छी तरह से फैलाएंगे चारों तरफ, ताकि हमारी चटनी आलू में चारों तरफ से लगे बराबर से। अब जो बॉयल किया था अंडा इसे बीच में डालेंगे और इसे सील कर लेंगे चारों तरफ से, हल्के हाथों से सील करना है बिल्कुल, ताकि हमारी आलू अंडे की पकौड़े अच्छी बने, चारों तरफ से कोटिंग हो आलू की और अंडा बीच में रहे। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से अच्छे से सील हो चुका है। अब इसे डाल देंगे बेसन में और इसके बेसन की कोटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल पहले से कढ़ाई में चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और तेल अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये पकौड़ा, हल्के हाथों से डालना है धीरे से, और इसे चारों तरफ घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारे पकौड़े को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं, कितनी अच्छी लग रही है हमारे आलू अंडे की पकौड़े। इसे कट करके अब दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी रेसिपी। बाय बाय फ्रेंड्स।